मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को जेएन पांडे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मां सरस्वती की पूजा कर राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव सत्र 2023-24 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य और अभिभावकों को नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ और शाला प्रवेश उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यही बच्चे हमारा भविष्य है और इन बच्चों को शिक्षा का उचित वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इनका मन पढ़ाई में लगा रहे। वजह से एज यू नो द अंग्रेजी में जवाब दो। यस सर, गर्मियों सॉरी सर, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश में जवाब दीजिए आप। यस सर, एज द समर इज द टेम्परेचर ऑफ द समर वेकेशन इज इंक्रीजिंग, वी आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज लाइक द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंड द पीपल आर गेटिंग लूज एंड मीन्स दे आर अफेक्टिंग बाय लूज एंड द हॉट विंग ऑफ समर। So as with your permission, the government means you are only the launching that announcing that now 26 from 26 June the school will reopen. So we are getting benefits because now we can stay at home and we are not affecting by loo and the hot winds of summer. अच्छा लगा? Yes sir. Thank you sir. माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नागेश नारायण यादव है। मैं स्वामी आत्मानंद योजना द्वारा संचालित प्रोफेसर जे एन पांडे बहुउद्देशीय शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। सर, आपको मैं बेहद धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस विद्यालय में पहुँचे और आपने शाला प्रवेश उत्सव का शुभारम्भ किया। और मैं शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नई नई शिक्षा नीति हमारे इस छत्तीसगढ़ में लागू किए और स्वामी आत्मानंद योजना द्वारा स्कूलों को संचालित करने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ? सर, पढ़ाई पहले से अभी तक जो पढ़ाई में अंतर आया है वो बहुत काबिलियत तारीफ है सर। पहले की और अभी की तुलना की जाए तो जब से स्कूलों में आत्मानंद योजना संचालित की गई है शिक्षा का स्तर बढ़ते गया है सर। आप ये देखने को मिलेगा कि सर पहले जो बच्चे थे वो शिक्षा में रुचि नहीं दिखाते थे, पर जब से आत्मानंद योजना द्वारा संचालित किया गया है सर, बच्चे शिक्षा में रुचि दिखाते हैं सर। चलिए, खूब बधाई राठौर जी। यस, थैंक यू, धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल CM सर एंड ऑल डिग्निटरीज प्रेजेंट हुआ हियर। आई एम सुरभि साहू फ्रॉम क्लास 8 studying in BP Pujari Government English Medium Utkrisht Vidyalaya, Raja Talab, Raipur. Our school BP Pujari is the best school in Chhattisgarh because it is not taking any fees, free uniform, free books and free notebooks, but giving so many opportunities like robotics, coding decoding classes, MCSC projects, every type of games and so many well-educated teachers who teach us more better than the private schools. For this, I will be very, very thankful to my principal ma'am. She is very polite and active for our school and every students. Thank you so much, CM sir, for the Atmanand school. It helped all the poor and middle-class talented students to share their talent to everyone in the world. Thank you so much, sir. Thank you. Khub badhai. Thank you, sir. Bastar fighter ki bharti ki aur हमने सुकमा, बीजापुर, यहाँ के लोगों के भर्ती अनिवार्यता कर दी। वहाँ पांचवी पढ़े बच्चे नहीं मिल रहे थे। क्यों? कि 15 साल से वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये स्थिति। और आज उन क्षेत्रों में भी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल जो बंद पड़े थे फिर से हमने शुरुआत की है। अभी कल ही सुकमा जिले में करीब अंदरूनी क्षेत्र में 28 नए बिल्डिंग बनाने के का शिलान्यास हम लोगों ने किया है एक विधानसभा में। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार अंतिम छोर में, और इसका प्रभाव देखिए आप। अभी 10वीं जब बोर्ड परीक्षा हुआ तो हमारे सुकमा जिले के जो लड़का है वो टॉप किया, 12वीं में हमारे जसपुर के बच्चे टॉप किए। तो शिक्षा समान रूप से पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की जो पढ़ाई है वो जसपुर से लेके सुकमा तक के एक ही स्तर का होना चाहिए, उसी प्रकार से अन्य स्कूल के भी स्तर में सुधार हो। इस दिशा में लगातार हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश में एक शिक्षा का वातावरण, सबसे बहुत जरूरी वातावरण बनाना। तो आज जैसे कृषि के क्षेत्र में हमने वातावरण बनाया, तो जो लोग कृषि छोड़ चुके थे वो फिर से वापस कृषि के क्षेत्र में लौटे हैं। तो उसी प्रकार से गौ पालन छोड़ दिए थे
अब हमने योजना बनाई तो लोग अब गौपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, 4 लाख लीटर से अधिक दूध उत्पादन बढ़ा है। तो हर क्षेत्र में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता, आपने देखा कि चाहे बीपी पुजारी स्कूल हो, शहीद स्मारक स्कूल हो, चाहे आरडी तिवारी स्कूल हो, पहले स्थिति क्या थी, जब मैं आरडी तिवारी स्कूल देखने गया तो वहां दर्ज संख्या केवल 56 थी, आज 1000 से अधिक है, 1000 है ना, 1000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्डिंग तो वही है, जगह तो वही है, लेकिन एक फैसला लिया गया, एक वातावरण बनाया गया। कहां 56, ये तो मुझसे लड़ाई करते हैं कुलदीप जुनेजा जी, वो शहीद स्मारक स्कूल से पढ़ के निकले हैं, ये बोलते हैं कि आप हमारे समय में क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने,